हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साथ आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। अगर हम इनकम टैक्स डिडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है सेक्शन 80C का। अगर आपका इनकम टैक्सेबल पोर्शन में आता है तो आप चाहते हैं कि आपका 80C एटलीस्ट कवर हो ताकि आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाए। बट मेजरली केसेस में अगर 80C कवर नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, ELSS में इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और अपना 80C जो है वो कवर कर लेते हैं, मतलब 1.5 लाख को कंप्लीट कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ELSS क्या होता है और ELSS के क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ELSS के बारे में अगर आप थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं या फिर ELSS के बारे में जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ELSS को जानने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं म्यूचुअल फंड का, क्योंकि ELSS बेसिकली एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है बेसिकली? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक फंड होता है, ठीक है। उस फंड में 15 से 20 कंपनियां जो हैं वो लिंक होती हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर हम 1000 रुपये उस फंड में डालते हैं, क्योंकि हम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम उस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम जब भी 1000 रुपये अगर इस फंड में अमाउंट डालते हैं तो वो 1000 रुपये जो है वो किसी एक कंपनी में नहीं जाता, वो 15-20 कंपनियां जो लिंक है उस कंपनीज में जाता है थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, ठीक है। उसके हिसाब से हमें बेसिकली रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये है बेसिकली बेसिक फंडा म्यूचुअल फंड का। तो अभी आइए ELSS को समझते हैं। ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है। जैसा कि नाम है ये मोस्टली इक्विटी शेयर्स में ही डील करता है। बेसिकली इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी शेयर्स में ही होते हैं। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड है जो कि आपको प्रोवाइड करता है टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। ELSS म्यूचुअल फंड जो है वो अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनियां हैं उनके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। सेक्टर अलग अलग सेक्टर्स हो गए, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया और भी अदर सेक्टर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनीज हो गई, मिड कैप कंपनीज हो गई एंड लार्ज कैप कंपनीज हो गई। तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनियां होती हैं उनके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है ELSS म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम बेसिक अगर फीचर्स की बात करें और लॉक इन पीरियड की बात करें तो अगर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है तो आज से 3 साल के अंदर आप उस इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं कर सकते, मतलब उसको वापस अपने बैंक में नहीं ले सकते। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते, 3 साल के बाद ही आप इसको निकाल पाएंगे अगर आप उसको रिडीम करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट फीचर है टैक्स बेनिफिट की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम आता है और 1.5 लाख तक का डिडक्शन लेके आपका टैक्स बेसिकली कम हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जैसा कि नाम है ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये बेसिकली इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। इसमें जो कंपनियां होती हैं जैसा कि मैंने पहले बताया डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो कंपनियां होती हैं उनके इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसे बेसिकली हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां जो होती हैं उसमें बेसिकली यहां पे इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है कि ये बेसिकली आपका रिस्क कम कर देता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, बट यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर इंक्लूड रहते हैं, डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्लूड रहता है, तो आपका रिस्क जो है यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। अगर SIP इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आप इसमें SIP मंथली बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इन द सेंस कि आपको फिक्स अमाउंट बता दीजिए, जैसे कि 500 आपको पर मंथ करना है तो आपका 500 पर मंथ जो भी आपने डेट फिक्स किया रहेगा उस डेट पे आपका डिडक्ट होगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो सेम प्रोसेस SIP, जैसे उसे भी हम SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड ही है। तो SIP जैसा आपको पता होगा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, आपको एक फिक्स अमाउंट बता देना है कि ये फिक्स अमाउंट है, ये फिक्स डेट है, इसी डेट पे मेरा ये फिक्स अमाउंट कटना चाहिए। तो वैसे ही बेसिकली यहाँ पे अमाउंट्स डिडक्ट होते हैं और ये ऑटो डिडक्ट होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हेल्प करते हैं आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में और आपका रिस्क जो है ऑफ टाइमिंग ऑफ मार्केट जो होता है ना, टाइमिंग ऑफ मार्केट, वो जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें SIP में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप और लमसम में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप। लमसम इन द सेंस एक लमसम अमाउंट आप डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल आपका 80C 1 लाख कवर है और आपको 50,000 का और भी जरूरत है और मार्च का महीना चल रहा है तो आप SIP स्टार्ट करेंगे तो आप 50,000 की SIP तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप 5,000 या 6,000 की SIP स्टार्ट कर दें और जो बैलेंस अमाउंट है 45,000 या 44,000 वो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम रिटर्न्स की बात करें,
ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स जो होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो ये बेसिकली आपको पोटेंशियली हाई रिटर्न देता है अगर आप अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करें। जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, 5 साल के लिए अगर आप करते हैं तो आप उसका बेसिकली टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, इन लोगों से अगर कंपेयर करें हम तो म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में आपको पोटेंशियली हाई रिटर्न देखने को मिलता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो इन्वेस्टर्स जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट को सर्च कर रहे हैं एंड ये भी सर्च कर रहे हैं कि उनको हाई रिटर्न मिले, ठीक है। तो ईएलएसएस एक अच्छा ऑप्शन है, आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मार्च का महीना अभी भी गया नहीं है, कुछ दिन बाकी है, आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स करा के देंगे और आपको फंड भी सजेस्ट करेंगे कौन सा फंड ईएलएसएस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हाउएवर अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर को ये भी जानना बहुत जरूरी है ईएलएसएस में कि ईएलएसएस बेसिकली, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा रिस्क हाई आता है। अगर किससे कंपेयर करें हम तो अगर डेब्ट ओरिएंटेड जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि एफडीज हो गए, पीपीएफ हो गए, अगर इनसे कंपेयर करें तो रिस्क हाई रहता है बट इसमें रिटर्न्स अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और ये 3 साल का लॉक इन भी रहता है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छा खासा मिलता है। मिनिमम अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जाते हैं तो 12-15% एवरेज रिटर्न्स तो आपको देखने को मिले जाते हैं किसी भी फंड में, ठीक है, इवन ज्यादा ही मिलते हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड चूज कर रहे हैं, क्योंकि ईएलएसएस में भी बहुत सारे अलग अलग फंड्स हैं, तो आप कौन सा फंड चूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न कितना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ईएलएसएस से रिलेटेड और भी कोई डाउट है आपसे तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।